बड़ी खबर, कन्नौज से आ रही है। रिमांड पर भेजा गया नवाब यादव, 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया जेल। कल रात रंगे हाथ पकड़ा गया था नवाब। नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप। नवाब यादव को लेकर सियासत तेज हुई है। एसपी ने नवाब यादव से किनारा किया है। बीजेपी समेत कई दल एसपी पर हमलावर है। कन्नौज में नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास। आरोपी एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल कल रात में पुलिस ने नवाब को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। हालांकि नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। एसपी ने नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया है, तो वहीं बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। किसके नाम लेना चाह रहे हैं? वहीं कन्नौज और अयोध्या के मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादियों के डीएनए में गुंडई और अराजकता शामिल है। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गुंडई, अराजकता, बहुबेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलाएं। वहीं इस मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि गिरफ्तारी होने के बाद कार्रवाई हो रही है। इसका संज्ञान लिया था और उसमें गिरफ्तारी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। कुछ रेप पॉक्सो से जुड़ा मामला बता रहे? हाँ, वो चीज़ें आई हैं। उनके द्वारा मैंने कहा था कि एसपी कन्नौज सभी डिटेल इस बारे में प्रेस के साथ शेयर करें। वहीं पूरे मामले पर अब एसपी के कन्नौज जिला अध्यक्ष ने लेटर जारी कर नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया है, जिसमें कहा गया कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। जिलाध्यक्ष कलीम खान ने यह भी कहा है कि नवाब सिंह यादव पिछले 5 साल से पार्टी विरोधी काम में शामिल थे। वहीं नवाब सिंह यादव को लेकर जूही सिंह का बयान सामने आया। जूही सिंह ने नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का पुराना नेता बताया है। साथ ही साथ जूही सिंह ने इस मामले में नार्को टेस्ट की बात कही है। ठीक है, पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता और कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने एसपी पर निशाना साधा है। सुब्रत पाठक ने कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा समाजवादी है। एसपी रेपिस्ट की पार्टी बनकर रह गई है। समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना और आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, यह बेहद निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी दिखाती है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको उप मुख्य मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं क्या यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सके? वहीं इस पूरे मामले पर एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उनसे पूछिए कि भाई सपाइया क्यों आ रहे हैं? ये बात तो सपा के लोगों से पूछिए। अब सपा के नेता तो
अयोध्या के मामले पर नार्को टेस्ट कह रहे थे कराने के लिए ना, तो यहाँ डीएनए टेस्ट कराने, तो यहीं उठे करा लें, यहां भी डीएनए टेस्ट करा लें। कोई भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं एसपी नेता रवाब सिंह मामले पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। समाजवादी पार्टी में क्या ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं? डिंपल यादव और अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इस तरह के तत्वों को क्यों संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी माफियाओं और अपराधियों और बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी नजर आती है?